फैशन से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉमन टिप्स जिसको आपको फॉलो करने में ना तो कोई दिक्कत आएगी और आप स्टाइलिश भी दिखोगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टाइल से रिलेटेड एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जिसको ग्रेजुअली फॉलो करके आप अपना स्टाइल हाईली अपग्रेड कर सकते हो। इसलिए किसी भी टॉपिक को मिस ना करते हुए वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अपर वेयर्स की, कि विंटर्स में ऐसे कौन से अपर वेयर्स हैं जो आपको सर्दी से बचाने के साथ साथ आपको स्टाइलिश भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हुडी की। हुडी एक ऐसा क्लोथिंग आइटम है जो गर्म होने के साथ साथ काफ़ी स्टाइलिश भी है। हुडी में मैं आपको ग्रे कलर प्रिफर करूँगा, क्योंकि आप इसको जिस भी आउटफिट के साथ वेयर करोगे आप बॉम दिखने वाले हो। नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है एक डेनिम जैकेट। डेनिम में मैं आपको ब्लैक और ब्लू कलर प्रिफर करूँगा। इस लिस्ट में मैंने डेनिम को इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसके बिना आपका आउटफिट इनकम्प्लीट है। डेनिम को आप किसी भी ओकेजन में पेयर कर लो, आप सबसे हटके दिखने वाले हो। हमारा अगला क्लोथिंग आइटम है एक वार्सिटी जैकेट। अब वार्सिटी जैकेट को मैंने इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी लंबे समय तक ट्रेंड में रहने वाला है। हमारा अगला क्लोथिंग आइटम है एक लेदर जैकेट, लेकिन मैं आपको लेदर जैकेट तभी रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट है, क्योंकि लेदर जैकेट काफ़ी कॉस्टली होते हैं और सबके बजट में नहीं होता है। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसे क्लोथिंग आइटम्स की जिस पे सबका ध्यान जाता तो है लेकिन प्रॉपर आइडिया ना होने की वजह से माइनर स्टाइलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शूज़ की। तो शूज़ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा अ पेयर ऑफ वाइट स्नीकर। अब वाइट स्नीकर इसलिए क्योंकि आप इसको जिस भी आउटफिट के साथ पेयर करोगे आप काफ़ी स्टाइलिश दिखोगे। हमारा अगला क्लोथिंग आइटम है जॉगर, क्योंकि जॉगर स्टाइलिश होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी है, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक जॉगर जरूर से परचेज करें। अगर आप अपनी रेगुलर ब्लू जीन्स और ब्लैक पैंट से फेड अप हो चुके हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके अल्टरनेटिव में आप चीनोस या फिर क्रॉप पैंट का यूज़ करो, क्योंकि इन पैंट्स को आप किसी भी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ओकेजन पर इजीली वेयर कर सकते हो। ये स्टाइलिश होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी रहने वाली है शेड्स, क्योंकि शेड्स एक नॉर्मल से फेस पर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टाइलिश दिखते हो। इसके साथ साथ शेड्स आपकी आइज को धूप में टैन होने से भी बचाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एक्सेसरी है एक लेदर बैग। अब आप चाहे एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन, बैग सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा लेदर बैग होना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन आज एम है 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का।